स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर और लेकर आ गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग कहानी। और आज की कहानी का टाइटल है अवैध संबंध बना मौत का कारण। मुरादाबाद आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गांव है शिमलाठे, जो थाना कुंदरकी के अंतर्गत आता है। 9 सितंबर 2017 को इसी गांव के रहने वाले दो भाई लक्ष्मण और ओमकार अपने भतीजे शिवम के साथ अपने खेत में पानी लगाने पहुंचे। उन्हें दिन में ही पानी लगाना था, लेकिन दिन में बिजली नहीं थी, इसलिए वे रात में गए थे। रात होने की वजह से वे टॉर्च भी ले गए थे। वे खेत पर पहुंचे तो उन्हें कुछ आहट सी सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा तो वहां चार आदमी खड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने गांव के ही बबलू को बांध कर बैठा रखा था। बबलू संपन्न आदमी था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये बदमाश हैं। डर के मारे वे जाने लगे तो एक बदमाश ने उन पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए चेतावनी दी, अगर भागे तो गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे, जहां हो वहीं रुक जाओ। तीनों निहत्थे थे, इसलिए अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। बदमाश उनको वहीं ले आए जहां बबलू बंधा बैठा था। उन्होंने उन्हें भी बांध कर बबलू के साथ बैठा दिया। चारों ने बबलू के साथ मंत्रणा करके लक्ष्मण को खोल दिया। तीन बदमाश लक्ष्मण को लेकर चले गए और एक राइफलधारी बदमाश बंधे हुए लोगों के पास चौकसी से खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो लक्ष्मण को लेकर लौटा तो उनमें से एक ने कहा, लड़का तो अच्छा है। इसके बाद चारों ने आपस में कुछ बातें की और वही तीन बदमाश उसे फिर से लेकर जंगल में चले गए। करीब 20 मिनट बाद वे लौटे तो उनके साथ लक्ष्मण नहीं था। लौटकर उनमें से एक बदमाश ने कहा, काम हो गया। बदमाश के मुंह से यह बात सुनकर ओमकार और शिवम घबरा गए। लक्ष्मण को लेकर उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल उठने लगे। इसके बाद बदमाशों ने बबलू, ओमकार और शिवम की तलाशी ली। उनके पास जो मिला उसे लेकर उन बदमाशों ने तीनों को औंधे मुंह लिटाकर उनके ऊपर चादर डालकर धमकी दी कि वे अपनी खैर चाहते हैं तो इसी तरह पड़े रहें। डर की वजह से वे उसी तरह पड़े रहे। जब उन्हें लगा कि बदमाश चले गए हैं तो बबलू ने चादर हटाकर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं दिखा तो उसने ओमकार और शिवम से कहा, लगता है वे चले गए। जब मिली लक्ष्मण की सिर की लाश, किसी तरह बबलू ने अपने हाथ खोलकर उन दोनों के भी खोले। इसके बाद सभी तेजी से गांव की ओर भागे। गांव जाकर बताया कि बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर लूट लिया और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए हैं। उनके इतना कहते ही गांव में शोर मच गया। लाठी डंडा व अन्य हथियार लेकर गांव वाले खेतों की तरफ दौड़ पड़े। वे लक्ष्मण और बदमाशों को खोजने लगे। थोड़ी देर में एक खेत के पुश्ते पर गड्ढे में लक्ष्मण की सिर की लाश मिल गई। इसकी सूचना बबलू ने वहीं से फोन द्वारा थाना कुंदरकी को दे दी। उस समय थाना प्रभारी धीरज सिंह सोलंकी हाईवे पर गश्त पर थे। सूचना मिलते ही वो घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इस वारदात की जानकारी एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी देहात उदयशंकर सिंह, सीओ बिलारी अर्चना सिंह को दी। लक्ष्मण की हत्या के बारे में पता चलने पर उसके घर में कोहराम मच गया था। उसकी पत्नी अमरवती और दोनों बच्चे बिलख रहे थे। एसएसपी के निर्देश पर रात में ही घटनास्थल के आसपास सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन न बदमाशों का सुराग मिला और न ही लक्ष्मण का सिर। सवेरा होने पर पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भिजवा दिया। हालांकि बबलू लक्ष्मण के घर वालों के दुख में शरीक होकर हर काम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था, लेकिन उन्हें यही लग रहा था कि लक्ष्मण की हत्या में बबलू का हाथ है, क्योंकि वो उनसे अदावत रखता था। जैसे जैसे आसपास के गांवों में बदमाशों द्वारा शिमलाठे गांव के लक्ष्मण का सिर काट कर ले जाने वाली बात पता चली, वे घटनास्थल की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर पता चला कि इस घटना के विरोध में लोग शिमलाठे गांव में जमा हो रहे हैं, तो वे भी वहीं चले गए। लक्ष्मण के घर के सामने इकट्ठा लोगों का पुलिस के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मण का सिर न मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। कुछ ही देर में राजमार्ग के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जमा लग गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस के अलावा सीओ अर्चना सिंह वहां पहुंच गईं। उन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की, पर लोग वहां से नहीं हटे। तब एसएसपी प्रीतिंदर सिंह और एसपी देहात उदयशंकर सिंह भी वहां पहुंच गए। एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि पुलिस को कुछ समय दो, लक्ष्मण का सिर व कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। उनके समझाने के बाद उत्तेजित लोगों ने जाम खोल दिया। 10 सितंबर को पोस्टमार्टम के बाद लक्ष्मण का शव उसके घर वालों को सौंप दिया, तो उसी दिन उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उस समय भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि लक्ष्मण का सिर किसी तेज धारदार हथियार से एक ही झटके में काटा गया था। मरने से पहले उसने बचाव के लिए संघर्ष किया था, क्योंकि उसकी कलाइयों पर गहरे चोट के निशान थे।
मृतक के भाई ओमकार की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही बबलू और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ भादंवी की धारा 302, 201, 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। अगले दिन यह मामला अखबारों की सुर्खियों में आया तो इलाके में सनसनी फैल गई। उधर एसपी देहात उदयशंकर सिंह व सीओ अर्चना सिंह जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर लक्ष्मण का सिर ढूंढ रहे थे। जब सफलता नहीं मिली तो एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने सीओ अर्चना की अध्यक्षता में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। टीम में थाना प्रभारी धीरज चौधरी, एसआई राजेश कुमार पुंडीर, ऋषि कपूर, कांस्टेबल अफसर अली, मोहम्मद नासिर, केशव त्यागी, कपिल कुमार, वेद प्रकाश दीक्षित के अलावा सर्विलांस टीम के एसआई नीरज शर्मा, कांस्टेबल अजय, राजीव कुमार, रवि कुमार, चंद्रशेखर आदि को शामिल किया गया। एसओजी को भी टीम के साथ लगा दिया गया। टीम का निर्देशन एसपी देहात उदयशंकर सिंह कर रहे थे। चूंकि रिपोर्ट में बबलू नाम दर्ज था इसलिए पूछताछ के लिए उसे थाने ले आया गया। पूछताछ में वो खुद को बेकसूर बताने के अलावा ये भी कह रहा था कि वो दिशा मैदान के लिए गया था, तभी बदमाशों ने उसे बंधक बना लिया था। उसने बताया कि बदमाश उसकी जेब से 3,000 रुपए निकाल ले गए हैं। जब बबलू से कोई क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने उसे घर भेज दिया। सविलान से पकड़े गए लक्ष्मण के हत्यारे पुलिस का पहला काम लक्ष्मण का सिर ढूंढना था। अपने स्तर से वो सिर तलाश रही थी। पीड़ित परिवार के दबाव में पुलिस बबलू को जब जब थाने बुलाती तब कोई न कोई राजनैतिक रसूख रखने वाला उसकी हिमायत में थाने पहुंच जाता। पुलिस ने उससे सख्ती से भी पूछताछ की पर वो रो रो कर खुद को निर्दोष बताता रहा। इसके बाद उसे इस हिदायत के साथ छोड़ दिया गया कि वो गांव में ही रहेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी उसे थाने आना पड़ेगा। बबलू ने पूरे गांव व पुलिस से कहा था, अगर लक्ष्मण की हत्या में मेरा हाथ पाया जाए तो मुझे सरेआम फांसी पर लटका देना। ये बात सभी जानते हैं कि मैंने इस परिवार की कितनी मदद की है। पुलिस ने बबलू का फोन सर्विलांस पर लगा रखा था। पिछले एक महीने में उसने जिन जिन नंबरों पर बात की थी वे सभी सर्विलांस पर थे। जांच में पता चला कि घटना से पहले बबलू के मोबाइल पर चंदा उर्फ अकबर निवासी इमरतपुर उधौ थाना मैंठेर से बात हुई थी। पुलिस ने मुखबिर के द्वारा चंगा के बारे में पता कराया तो जानकारी मिली कि वो घर पर नहीं है। इस हत्याकांड को 27 दिन हो चुके थे परंतु लक्ष्मण का सिर नहीं मिला था। पुलिस की हिदायत की वजह से बबलू सतर्क था, वो कहीं आता जाता भी नहीं था। 6 अक्टूबर 2017 को बबलू ने किसी से फोन पर कहा कि वो गांव शिमलाठे के बाहर अमरूद के बगीचे में आ जाए, वहीं बात करेंगे। ये बात सर्विलांस टीम को पता लग गई। थाना प्रभारी ने मुखबिर से गांव के बाहर की अमरूद की बाग के बारे में पूछा और उस पर नजर रखने को कहा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव शिमलाठे के बाहर अमरूद के बाग में दबिश देकर वहां से बबलू के अलावा 3 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 3 लोग भाग गए। हिरासत में लिए गए लोगों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम शबाबुल निवासी इमरतपुर उधौ, फरीद निवासी लालपुर गंगवारी और गुलाम नबी निवासी डींगलपुर बताया। उन्होंने बताया कि फरार होने वाले चंगा उर्फ अकबर, राशिद निवासी इमरतपुर उधौ और पिंटू उर्फ बिंटू निवासी दौलतपुर थे। उन सभी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो न सिर्फ उन्होंने लक्ष्मण की हत्या का अपराध स्वीकार किया बल्कि उनकी निशानदेही पर एक जगह गड्ढे में दबाया हुआ लक्ष्मण का सिर भी बरामद कर लिया। उस पर उन्होंने ऐसा केमिकल लगा रखा था जिससे वो करीब 1 महीने तक जमीन में दबा रहने के बावजूद खराब नहीं हुआ था। लक्ष्मण की हत्या की उन्होंने जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली थी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से कोई 18 किलोमीटर दूर है थाना कुंदर की। इसी थाने के गांव शिमलाठे में बबलू अपने परिवार के साथ रहता था। वो संपन्न आदमी था। उसके पास 4 ट्रैक्टर और 6 ट्रक हैं। वो ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई करता है और ट्रकों से मुरादाबाद के रेलवे माल गोदाम में आने वाले सीमेंट को अलग अलग गोदामों तक पहुंचवाता था। इस सब से उसे अच्छी कमाई हो रही थी। लक्ष्मण का छोटा भाई टिंकू बबलू के ट्रक पर पल्लेदारी करता था। वो मेहनती और ईमानदार था। बबलू उस पर बहुत विश्वास करता था जिसकी वजह से उसका बबलू के घर भी आना जाना था। बबलू अपने काम धंधे में व्यस्त रहता था इसलिए बबलू की पत्नी कमलेश टिंकू से ही घर के सामान मंगाती थी। ऐसे में ही कमलेश के टिंकू से संबंध बन गए, हालांकि दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। कमलेश के सामने टिंकू की कोई औकात नहीं थी, इसके बावजूद कमलेश का टिंकू पर दिल आ गया था। शुरू में तो उनके संबंधों पर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे संबंधों में कितनी भी सावधानी बरती जाए देशवीर उजागर हो ही जाते हैं। कमलेश और टिंकू के संबंधों की बात भी गांव में फैल गई। 3 लाख रुपए में टिंकू की मौत का सौदा बबलू गांव का रसूखदार व्यक्ति था। टिंकू की वजह से उसकी गांव में अच्छी खासी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत टिंकू को पल्लेदारी से हटा दिया। इसके बाद टिंकू का कमलेश के घर आना जाना बंद हो गया।
कमलेश किसी भी हाल में टिंकू को छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा फोन पर संपर्क करके वो टिंकू को अपने खेतों पर बुला लेती। बबलू ने पत्नी को भी समझाया पर वो नहीं मानी। इस पर बबलू ने टिंकू को ठिकाने लगवाने की ठान ली। बबलू के गांव के नजदीक ही इमरतपुर उधौ गांव है। इसी गांव में अकबर उर्फ छंगा रहता था। वो वहां का माना हुआ बदमाश था। कई थानों में उसके खिलाफ दर्जन भर मामले दर्ज थे। बबलू ने उससे बात कर 3 लाख रुपए में टिंकू की हत्या का सौदा कर डाला। छंगा का एक भतीजा शबाबुल सुपारी किला था, उस पर भी 10-12 केस चल रहे थे। छंगा ने शबाबुल से बात की। वो मुरादाबाद के जयंतीपुर में अपनी 2 बीवियों के साथ रहता था। उसे अपना मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो 2 लाख रुपए में टिंकू की हत्या करने को राजी हो गया। चूंकि शबाबुल पेशेवर अपराधी था, इसलिए उसी बीच लालपुर गंगवारी के फरीद और डींगरपुर के गुलाम नबी ने शबाबुल से किसी नवयुवक के कटे हुए सिर की डिमांड की। इसके लिए उन्होंने शबाबुल को 2 लाख रुपए भी दे दिए। वो नरमुंड उन्हें सालिम के मार्फत दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाले एक बड़े तांत्रिक महफूज आलम के पास पहुंचाना था। फरीद संपेरा और तांत्रिक है। महफूज आलम ने नरमुंड पहुंचने पर गुलाब नबी और सालिम को 20 लाख रुपए देने की बात कही थी, पर इन दोनों ने शबाबुल से 2 लाख रुपए में ही सौदा कर लिया था। तांत्रिक महफूज उस नरमुंड का क्या करता ये किसी को पता नहीं था। शबाबुल को दोहरा फायदा उठाने का मौका मिल गया था। उसे टिंकू की हत्या 2 लाख रुपए में करनी थी। उसका सिर काटकर गुलाम नबी को देना था, यानी एक तीर से उसके 2 शिकार हो रहे थे। इस तरह टिंकू की हत्या से 4 लोगों को फायदा हो रहा था। पहला फायदा बबलू को था, क्योंकि उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध थे। दूसरा फायदा छंगा को था, जिसने 3 लाख रुपए में टिंकू की हत्या की बात तय करके 2 लाख रुपए में अपने भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तीसरा फायदा शबाबुल को था, जिसे टिंकू की हत्या पर 2 लाख रुपए छंगा से मिलने थे और 2 लाख नरमुंड देने पर फरीद से मिलने थे। चौथा और सबसे बड़ा फायदा गुलाब नबी और सालिम को था, क्योंकि उन्हें दिल्ली के तांत्रिक महफूज आलम से नरमुंड पहुंचाने पर 20 लाख रुपए मिलने थे और उन्होंने 2 लाख में शबाबुल से बात कर ली थी। उन्हें 18 लाख रुपए बच रहे थे। इसके बाद बबलू टिंकू की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। उसे कहीं से पता चल गया था कि 9 सितंबर की रात टिंकू अपने खेत में पानी लगाने जाएगा। ये बात उसने छंगा को बता दी। छंगा ने शबाबुल को सूचित कर दिया। पूरी योजना बनाकर छंगा, शबाबुल, फरीद, गुलाब नबी और बबलू टिंकू के खेत के पास पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने ठेके से शराब खरीदी। बबलू के अलावा उन सब ने खेत के किनारे बैठकर शराब पी। योजना के अनुसार उन्होंने बबलू के हाथ बांध कर वहीं बैठा दिया। 9 सितंबर 2017 की शाम को खाना खाने के बाद यादराम ने अपने दोनों बेटों लक्ष्मण और ओमकार को खेत में पानी लगाने को कहा, क्योंकि उस दिन उनका तीसरा बेटा टिंकू डीसीएम गाड़ी में तोरई भरकर दिल्ली की आजादपुर मंडी गया था। लक्ष्मण और ओमकार अपने चचेरे भाई शिवम को भी साथ ले गए थे। वे अपने साथ टॉर्च भी ले गए थे। जब वे खेत पर पहुंचे तो उन्हें वहां 4 बदमाश मिले और बबलू उनके पास बैठा था। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे थे। बदमाशों ने धमकी देकर उन तीनों को भी बांध दिया। बबलू ने देखा कि उन तीनों में टिंकू नहीं है तो वो चौंका, क्योंकि उसी की हत्या के लिए तो उसने ये ड्रामा रचा था। बदमाशों ने बबलू के साथ मंत्रणा की। बबलू ने जब देखा कि खेल बिगड़ रहा है तो उसने बदमाशों को बता दिया कि इनमें से जो बीच में है उसी का काम तमाम कर दिया जाए। बीच में लक्ष्मण था। इसके बाद एक बदमाश ने लक्ष्मण के हाथ खोल दिए और 3 लोग शबाबुल, फरीद और गुलाम नबी लक्ष्मण को अंधेरे में अपने साथ ले गए। छंगा राइफल लिए बाकी के पास खड़ा रहा। करीब 5 मिनट बाद वे लक्ष्मण को लेकर वापस आ गए। उन्होंने बबलू से फिर बात की और कहा कि लड़का अच्छा है। बबलू ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, इसी का काम कर दो। तब शबाबुल, फरीद व गुलाम नबी लक्ष्मण को फिर जंगल में ले गए। तीनों ने लक्ष्मण को जमीन पर गिरा दिया। लक्ष्मण जान पर खेलकर उनसे भिड़ गया, पर वो अकेला तीनों का मुकाबला नहीं कर सका, लिहाजा बदमाशों ने उसे फिर नीचे गिरा दिया। वो उठ न सके, इसके लिए फरीद ने उसके पैर पकड़े और गुलाम नबी ने सिर के बाल पकड़ लिए। तभी शबाबुल ने फरसे से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण चिल्ला भी न सका। उसका सिर कलम करके वे उन बंधकों के पास आकर बोले, काम हो गया। ये काम करने में उन्हें केवल 20 मिनट लगे थे। इसके बाद वे बंधकों को उल्टा लिटाकर उनके ऊपर चादर डालकर चले गए। वो चादर ओमकार अपने साथ घर से लाया था। शबाबुल ने लक्ष्मण का सिर गुलाम नबी तांत्रिक के हवाले कर दिया। गुलाम नबी ने केमिकल का लेप लगाकर उसके सिर को डींगरपुर के जंगल में एक बेर के पेड़ के नीचे दबा दिया था।
करीब आधे घंटे बाद ओमकार, बबलू और शिवम ने किसी तरह खुद को खोला और तेजी से गांव की तरफ भागे। उनके शोर मचाने पर गांव वाले जंगल की तरफ बदमाशों की तलाश में निकले। जंगल में लक्ष्मण की लाश मिलने पर बबलू ने ही कुंदर की पुलिस को फोन करके सूचना दी थी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी बबलू लक्ष्मण की अंतिम क्रिया तक में साथ रहा। सभी कर्मकांडों में उसने अपना सहयोग दिया। लक्ष्मण की चिता के फूल चुनने के समय भी वो उसके घर वालों के साथ था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ कर पुलिस ने उनकी निशानदेही पर फरसा भी बरामद कर लिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने दो अन्य अभियुक्तों इमरतपुर उधो के राशिद और सालिम को भी गिरफ्तार कर लिया था। सालिम पूर्व ग्राम प्रधान था। इन सभी से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिशें डाली, पर पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। इसी बीच अभियुक्त छंगा उर्फ अकबर ने 12 अक्टूबर 2017 को मुरादाबाद की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में दरख्वास्त देकर छंगा को पुलिस रिमांड पर लिया। कथा लिखने तक पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी थी। इसके अलावा पुलिस सीलमपुर दिल्ली के तांत्रिक महफूज आलम को भी तलाश रही थी, जिसने 20 लाख रुपए में नरमुंड लाने की बात डींगरपुर के तांत्रिक गुलाम नबी से तय की थी। महफूज की गिरफ्तारी के बाद ही यह पता चल सकेगा कि तांत्रिक 20 लाख रुपए में उस कटे हुए सिर को खरीद कर क्या करता। पुलिस जब तांत्रिक के दिल्ली ठिकाने पर पहुंची तो वो फरार मिला। लोगों ने बताया कि महफूज तांत्रिक के पास देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि अरब के शेख भी आते थे। इससे पुलिस को शक है कि कहीं तांत्रिक ने इससे पहले तो नरमुंड के लिए किसी की हत्या तो नहीं कराई। बहरहाल पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश कर रही है।